इट्स मी श्रुति मिश्रा एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक रिव्यू जो कि है ये म्यूज़िक फ्लावर लिक्विड आईब्रो पेन के बारे में। गाइज, अगर आप कोई आईब्रो प्रोडक्ट परचेज करने की सोच रहे हैं और आपको कोई अफोर्डेबल प्रोडक्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा आप नहीं यूज़ करते, कभी कभार के लिए चाहिए, तो आप इस वीडियो के ज़रूर एंड तक बने रहिएगा ताकि आप इस प्रोडक्ट की डिटेल देख सकें और इसका डेमो कि ये प्रोडक्ट कैसे काम करता है। सो उससे पहले मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब माई चैनल प्रेसिंग दैट रेड बटन और बगल में लगे बेल बटन, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई क्वेरी तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर दीजिएगा और रिप्लाई का ज़रूर वेट करिएगा, टाइम लग सकता है बट रिप्लाई ज़रूर आएगा। तो मेरा म्यूज़िक फ्लावर लिक्विड आईब्रो पेन फाइन स्केच टैटू सेंस ऑफ सुपर ड्यूरेबल। मतलब कि आपने देखा होगा कि जो कुछ ब्राइड्स होती है या जो प्रोफेशनल पार्लर्स होते हैं वो जब आईब्रोस मेकअप करते हैं तो आपने देखा होगा जिनका मेकअप होता है उनकी आईब्रो बिल्कुल एकदम बनी हुई स्केच पेन से दिखाई पड़ती हैं, तो वो इसी तरीके के प्रोडक्ट से बनाती हैं। ये प्रोडक्ट काफ़ी अफोर्डेबल ब्रांड का है, बहुत से एक्सपेंसिव ब्रांड्स के भी प्रोडक्ट आते हैं इस तरीके के। दो शेड परचेज की है, जो है एक डार्क ग्रे एंड ये है ब्लैक। गाइज, अगर आपको इसको परचेज करना है तो इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। ये अलग अलग वेबसाइट्स में अलग अलग प्राइस के मिलेंगे। मुझको ये शायद 300 रुपीज़ अप्रॉक्स ईच पड़ा था। गाइज, अगर इसकी पैकेजिंग की बात करें तो इस तरीके की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आती है, बैक पे पूरी डिटेल मेंशन की गई है। और बात करें अगर इसके पेन की तो ये इस तरीके का पेन आता है जिसमें ब्लैक कलर का कैप है और आप देख सकते हैं कि इस तरीके का जो ब्रश है बहुत फाइनली काम करता है, बिल्कुल पतला सा पॉइंटेड ये काम करता है जो कि आपको आईब्रोज बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आप बिगिनर्स हो तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, कहीं से भी लीकेज नहीं करेगा। बट गाइज, ये कोई वाटरप्रूफ पेंसिल नहीं है, मतलब कि अगर आप पानी डाल के इसको वॉश करेंगे तो ये अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा, आपको मेकअप रिमूवर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने देते हैं एक स्वाइप में ही आपकी आईब्रो बिल्कुल एकदम डार्क डार्क सी दिखाई पड़ने लगेंगी। सो आपको बहुत लाइटली काम करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी ओवर टू आईब्रोज नजर आने लगेंगी। एंड गाइज, आप देख सकते हैं मैं स्मच करके देख रही हूँ, ये बिल्कुल भी ऐसे नॉर्मली स्मच नहीं होते हैं, मैं बहुत कस के कर रही हूँ लेकिन तब भी ये स्मच नहीं हो रहा। मेरे हाथ में काफ़ी अच्छे से मॉइस्चराइजर लगा हुआ है उसके बाद भी ये स्मच नहीं हो रहा, तो ये स्मच प्रूफ प्रोडक्ट है, मतलब कि आपके फैलेगा नहीं, थोड़ा लाइट हो जाएगा बट फैलेगा नहीं, जो कि ज़्यादा परफेक्ट है। लाइट हो जाए तो कोई बात नहीं, बट अगर फैलेगा तो पूरा फेस पांडा की तरीके लगने लगेगा क्योंकि आईज़ के पास डार्कनेस हो जाएगी। सो आईज़ प्रोडक्ट हमेशा ऐसे लेने चाहिए जो आपके फैले ना। सो गाइज़, ये थी प्रोडक्ट की डिटेल। अगर स्टेइंग पावर की बात करें तो ये 2 to 3 hours रहता है, उसके बाद ये लाइट होने लगता है और अगर पानी डालेंगे तो वॉश हो जाएगा। सो गाइज, ये था इसका छोटा सा रिव्यू म्यूज़िक फ्लावर आईब्रो स्केच पेन के बारे में। अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना है तो उसका लिंक आपने .com से परचेज किया तो उनके प्रोडक्ट बहुत अमेजिंग है गाइज, बहुत हटके प्रोडक्ट है। क्लब फैक्ट्री और इस तरीके की साइट से बहुत ज़्यादा हटके उनके ब्यूटी मशीन्स हैं जो कि मुझे काफ़ी पसंद आई। आप मैंने उसका पूरा हॉल वीडियो किया, उसका लिंक आपको स्क्रीन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप ज़रूर जाके उस वीडियो को चेक करिएगा ताकि आपको पता चल सके किस किस तरीके की नई नई तरीके की मशीन्स आती हैं। सो आई होप आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जस्ट बगल में लगा बेल बटन उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर मैं